रूस यूक्रेन के कई इलाकों को अपना बताता है और जारी युद्ध के बीच उसने कई इलाकों पर कब्जा भी कर लिया है। अन्य इलाकों पर कब्जा करने के लिए उसका अभियान जारी है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन के एक सहयोगी व्लादिमीर सोलोवियोव ने एक नया शिगुफा छोड़ दिया है। उनके नए बयान ने हलचल बढ़ा दी है। सोलोवियोव ने कहा है, यूक्रेन तो हमारा है और उसे हम लेकर रहेंगे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने दो अन्य नेटो देशों की राजधानी को भी अपना बता दिया है और उनको लेकर दावा भी कर दिया है कि रूस उनको भी लेकर रहेगा। सोलोवियोव ने एक रूसी टीवी शो में कहा कि यूक्रेन की राजधानी कीव रूस का क्षेत्र है, और इसके साथ ही उन्होंने पोलैंड की राजधानी वारसा और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी को भी रूसी क्षेत्र बता दिया है। सोलोवियोव ने कहा कि कीव रूसी शहरों की जननी है, इसे उसकी मातृभूमि में वापस मिलाओ। उन्होंने कहा कि वारसा और हेलसिंकी भी हमारे यानी रूस के ही होंगे। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से ये सब सच है। हालांकि यूक्रेन, अमेरिका और क्षेत्र के कई विशेषज्ञों ने रूस के इस दावे का खंडन किया है। अब बड़ा मुद्दा यह है कि सोलोवियोव ने जो बयान दिया है वो पुतिन के इशारे पर दिया है या फिर ये उनका अपना दावा है। हालांकि कुछ भी हो, लेकिन उनके इस बयान के बाद माहौल का और गर्म होना तय है, क्योंकि अगर उनके इस बयान पर रूस या पुतिन की तरफ से कोई आपत्ति नहीं जाहिर की जाती है तो माना जाएगा कि इसमें पुतिन की सहमति है और इसे यूक्रेन के बाद रूस के अगले प्लान के तौर पर देखा जाएगा। कहा यह भी जा सकता है कि हो सकता है कि पुतिन अपने करीबी से ऐसा बयान दिलाकर युद्ध की दिशा को बदलना चाहते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले ही अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए सहायता पैकेज जारी कर दिया है और उसके पास सैन्य हथियार भी पहुंचने लगे हैं। इससे अब यूक्रेन भी रूसी हमलों का जवाब देने लगा है और दूसरी तरफ कई अन्य नेटो देशों ने भी यूक्रेन की मदद का वादा किया है। ये भी हो सकता है कि रूस इस तरह के बयान से नेटो देशों पर दबाव बना रहा हो कि वो यूक्रेन की मदद के लिए आगे ना आए, नहीं तो रूस उन पर भी हमला कर सकता है। हालांकि रूस की रणनीति क्या है और वो रूस को कितना फायदा पहुंचाएगी ये तो समय बताएगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कहीं रूस की रणनीति उल्टी न पड़ जाए। इधर रूस नेटो देशों को डराने के इरादे में हो और उधर सभी नेटो देश खुलकर यूक्रेन के समर्थन में आ जाए। दरअसल अभी कई ऐसे नेटो देश हैं जो खुलकर कह चुके हैं कि वो यूक्रेन के विरोध में तो नहीं है लेकिन उसकी मदद भी नहीं करेंगे। अब रूस के इस तरह के बयानों से सभी नेटो देश इकट्ठे हो सकते हैं और यूक्रेन की खुलकर मदद करना शुरू कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो रूस को उसकी ही रणनीति भारी पड़ सकती है।